देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर क्या है? पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिशों का मुंहतोड़ जवाब कैसे देगी बीएसएफ? और बिहार में 26 लोगों के नेत्रहीन होने का गुनहगार कौन है? राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप नाइन देश की बात। दो कोविड वेव झेल चुके देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पटरी पर लौट रही है। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में शानदार 8.4% जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए हैं। जुलाई से सितंबर की विकास दर में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट में तेजी आई है। जैसलमेर में बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह ने सीमा पार से जारी आतंकी गतिविधियों को गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आने वाले खतरों से निपटने के लिए एंटी ड्रोन डिवाइस लगाए गए हैं, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर टनल भी बहुत बड़ी समस्या है। तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के बाद आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड की स्थापना त्रिवेंद्र सरकार के वक्त में हुई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम वापस लिया गया है। पाकिस्तान के सिंध में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले पर बीजेपी ने दुख जताया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि सिंध बेअदबी मामले में गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि इस मामले पर पीएम इमरान खान के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू चुप क्यों हैं? आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर ने कहा है कि हमारा गठबंधन 3 दिसंबर तक तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी का गठबंधन में ही चुनाव में लड़ना तय है। चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक उनकी समाजवादी पार्टी से बात चल रही है, अभी फाइनल फैसला होना बाकी है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी मिलने पर मनाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी मनप्रीत के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एसपी कुल्लू के मुताबिक पूरे मामले की छानबीन हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर विवादों में है। भाषा विज्ञान के पीएचडी के छात्र ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की तारीफ करने पर एएमयू भाषा विज्ञान की डिग्री वापस कर नई डिग्री देने की बात कही गई है। एएमयू प्रशासन के मुताबिक ये ह्यूमन एरर है, विभाग से लिखने में गलती हो गई। हैदराबाद में दिल के मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इलाज नहीं मिलने की वजह से थोड़ी देर बाद मरीज ने भी दम तोड़ दिया। डॉक्टर और मरीज दोनों की मौत हार्ट अटैक से होने का मामला हैरान करने वाला है। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 26 लोगों की आंखों की रोशनी जाने से हड़कंप मचा है। 22 नवंबर को यहां लोगों का मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। अगले दिन जब इनकी पट्टी खोली गई तो सबकी रोशनी चली गई। 26 मरीजों में से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें निकालनी पड़ सकती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।